के जहां रामलीला समिति के लोग पूरी तैयारियों जुटे हैं, वहीं जो मस्जिद के में रखरखाव में या जो लोग जुड़े हुए हैं वो अभी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं कि जब पूरा आयोजन हो तो किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। ये देखिए विमान है, टकरा रहा है। आयोजन हो तो किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, तो यह बकायदा किया जा रहा है। रामलीला से जुड़ी जो प्राचीन चीजें वो भी बताया गया, वर्तमान में जो चीजें चल रही है वो भी बताया गया। और आपको बता दूं कि यह जो पूरा आयोजन है वो मामला कोर्ट में पहुंचा था और कोर्ट के आदेश पर होता है कि इसकी प्राचीन परंपरा है और इसका आयोजन किया जाएगा। हालांकि समय समय में इस पर राजनीतिक जो नजरें पड़ती हैं, कभी बवाल हो जाता है तो कभी प्रेम से होता है, तो तमाम या सांप्रदायिकता का माहौल बन जाता है। किसी भर मिला के चलते मऊ में 2005 में दंगा भी हो गया था, तमाम चीज़ें इससे जुड़ी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी सक्रिय रहने से किसी भी प्रकार का विघ्न वगैरह नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए मस्जिद समिति के लोग हैं और तमाम चीज़ों को करने में जुटे हुए हैं। तो यह जो साई मस्जिद है, आप साई मस्जिद देख रहे हैं और यह साई मस्जिद के जो गेट के सुरक्षा में मस्जिद के जो रखरखाव में जुड़े लोग हैं वो जुटे हुए हैं। तो इसी साई मस्जिद से भव्य रामलीला का आयोजन किया जाएगा, भरत मिलाप यहीं पर होगा और यहीं पर जो राम का विमान आएगा और विमान आ करके इसी दरवाजे से टकराएगा और टकराने के बाद पूरे भरत मिलाप का भव्य आयोजन किया जाएगा। तो पुनः देखिए यहाँ पर जो मस्जिद समिति से जुड़े लोग हैं वह अपने गेट की सुरक्षा में जुटते जा रहे हैं, गेट की सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है, उसको मजबूत किया जा रहा है। पुनः आपको बता दूँ कि अंदर जो आप एक दरवाजा देख पा रहे हैं तो वह दरवाजा जो साई मस्जिद का है जहाँ आरा का निवास होता था यहाँ से। और आपको दिखा दूँ कि जो भरत मिलाप का जहाँ आरा का यह निवास था यहीं पर आता था उसका विमान और अपने घर के दरवाजे के सामने ही वह भरत मिलाप का आयोजन कर रही थी, यानी कि रामलीला का आयोजन कर रही थी। और अब आप देखेंगे तो उसका जो शाही मस्जिद है, शाही
खिड़की आप देख पाएंगे, जो आप ऊपर देख रहे हैं शाही खिड़की है। शाही खिड़की से उतनी ऊंचाई से पूरे इस मैदान में पूरे भव्य आयोजन को देखते थे। तो आप देखेंगे तो यह लोहे का दरवाजा लगा करके अब मस्जिद के गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। एक यहाँ पर एंगल लगा, एंगल के बाद लोहे का फाटक लगा और पूरे मस्जिद को अब गेट को मजबूत कर दिया गया है ताकि यहाँ पर जब आयोजन होगा किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अंदर भारी संख्या में पुलिस बल भी है, ऊपर भी पुलिस बल है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पुलिस उपस्थित है अंदर बाहर ऊपर, और मस्जिद के जो ऊपर छत पर भी पुलिस है, जो छज्जे हैं वहाँ पर पुलिस रहेगी। यहाँ पर चारों तरफ पुलिस बल के जवान मौजूद रहेंगे और यहाँ पर CRPF की भी मौजूदगी होती है। ये देखिए विमान चला गया। विमान बहुत आगे आ गया भाई, पीछे विमान पीछे जाइए, एक आप पीछे जाइए, पीछे बहुत आगे आ गए, एक आगे थोड़ा विमान आ रहा है, पीछे जाइए, पीछे विमान को पीछे करिए भाई, विमान पीछे करिए, अपने जगह पे जहाँ खड़ा होता है। प्रशासन के लोगों को निवेदन है कि विमान को अपने जगह पर जाने दीजिए।